वळूयात पुढच्या बातमीकडे. सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमच्या वापराला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी झाली आणि सुनावणीच्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निकाल दिला. या याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयानं मतदान ईव्हीएमवरतूनच होईल असं स्पष्ट केलं आहे. सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं इसको एग्जामिन करें. और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए. जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट सॉरी ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है. ये कहकर उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी. सुप्रीम कोर्ट का आज निकाल निर्णय आया है उसका भी स्वागत करने जैसा है कि इस देश का हर मतदार 150 करोड़ जनता जब मतदान करती है एक मशीन पे तो उसका विश्वास वो मशीन पे पूरी तरीके से आज उस पे मोहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है ईवीएम मशीन ही करेक्ट मशीन है जिसपे मतदान होता है और आज होगा. ईवीएम विरुद्ध पब्लिक क्राय आहे जनाक्रोश आणि अनेकदा न्यायालयाने पब्लिक क्रायची दखल घेऊन निर्णय दिलेले आहे. या लोकशाहीमध्ये निवडणुकांच्या प्रक्रियेवरच लोकांचा विश्वास नाही ती लोकशाही काय काम आहे. तुम्ही बॅलेट पेपरवरती निवडणुका घेण्याची मागणी मान्य करत नाही व्हीव्हीपॅटची मागणी मान्य करत नाही. न्यायालयानं समजून घ्यायला हवं होता हा विषय काळजीपूर्वक.